जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक ख़ास ग्रुप था। इसके अलावा बहुत से लोग जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सब हमारे जो लोग हैं वो उनको मस्जिद नबवी की जो अहमियत है, जो पाकीज़गी है, उसका ख्याल है। और हमारे लोग वहाँ खामोशी के साथ हमें हाथ हिला रहे थे। और ये ख़ास ग्रुप है, लेकिन मैंने उस वक़्त क्योंकि मस्जिद नबवी में पहली दफ़ा मैंने कदम रखा था, तो मैंने इन सब के लिए हदायत की दुआ की। तो क्या को ख़त्म करने के लिए? देखिए, मईशत भी ठीक हो जाएगी, जो हालात हैं मुल्क के, रोज़गार भी आवाम को इंशाल्लाह, जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे गुजरा हैं, काबीना है, कोएलिशन पार्टीज़ हैं, उन सब की नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। तो रोज़गार भी मिल जाएगा, मईशत भी ठीक हो जाएगी और बाकी भी तमाम चीज़ें। लेकिन जो ये माशरे की तबाही है, जो मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की, जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है, जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात है, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है, ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ कारकुन आए थे, उनमें भी एक जज्बा है, लेकिन उनको ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी मस्जिद नबी के अहाते में, मक्का के अहाते में, मदीना के अहाते में किसी किस्म की ऐसी इनको देखते हुए बदतमीजी ना करें। यही फ़र्क है इन लोगों में और हम लोगों में।